बड़ी खबर आपको बता दें जो राहुल गांधी से जुड़ी हुई आ रही है। राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है और इस पर आज फैसला सुनाना था लेकिन उसे टाल दिया गया है और अब 19 जुलाई को कोर्ट ये फैसला सुनाएगा। और वहीं आपको बता दें ये पूरा मामला 2016 से जुड़ा हुआ है जहां 2016 में राहुल गांधी ने किसान रैली में पीएम पर यानी कि पीएम मोदी पर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस वक्त नरेंद्र मोदी उन पर सैनिकों के खून को दलाली करने का आरोप लगाया था। तो इसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें आज फैसला सुनाया जाना था लेकिन आज फैसला नहीं सुनाया गया और 19 जुलाई के लिए इस पूरे मामले को टाल दिया गया है। तो अभी फौरी तौर पर राहत राहुल गांधी को मिल गई है लेकिन 19 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा और पेशे से वकील योगेंद्र तुली ने यह याचिका दायर की थी। तो फौरी तौर पर राहत राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मिल गई है लेकिन अभी भी तलवार लटकी हुई है। फैसला सुनाया जाना था आज लेकिन आज फैसला ना सुनाकर अब 19 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा यानी कि फैसला टाल दिया गया है लेकिन फैसला 19 जुलाई को सुना दिया जाएगा। और ये पूरा मामला 2016 से जुड़ा हुआ है जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक रैली में संबोधन के दौरान वो किसान रैली थी जिसमें उन्होंने संबोधन किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के हाथ सैनिकों के खून से रंगे हुए हैं जिसको लेकर उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। तो फौरी तौर पर राहत राहुल गांधी को मिल गई है लेकिन अभी भी तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है और जिस तरीके से फिलहाल कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही है ऐसे में अगर ये फैसला आ जाता तो कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो सकती थी लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर राहत राहुल गांधी को मिल गई है लेकिन अभी भी 19 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। क्या कुछ फैसला सुनाया जाएगा ये तो 19 जुलाई का इंतजार करना होगा लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई को टाल दिया गया है। फैसला सुनाया जाना था लेकिन आज नहीं सुनाया गया और ये पूरा मामला 2016 से जुड़ा हुआ है जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक किसान रैली को संबोधित किया था और उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा था कि आपके हाथ सैनिकों के खून से रंगे हुए हैं। सुचित्रा मुखर्जी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुचित्रा आज सुनवाई किस कारण टाल दी गई और अब 19 जुलाई को अभी फौरी राहत राहुल गांधी को जरूर मिल गई है लेकिन 19 जुलाई को अब फैसला सुनाया जाएगा। वो देगी और इसमें राहुल के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था ये कहा गया था पेशे से जो वकील हैं योगेंद्र तुली जी उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया था। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने जंतर मंतर में किसान रैली के दौरान पीएम पर सैनिकों की खून से दलाली करने का आरोप लगाया था जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको लेकर ये याचिका दायर की गई थी हालांकि इसमें दिल्ली पुलिस से भी इसके पहले जवाब मांगा गया था क्योंकि योगेंद्र तुली का कहना था कि मैंने एफआईआर दर्ज करवाई थी लेकिन उस समय उस पर कोई एक्शन इस तरीके का एफआईआर नहीं हुआ एक्शन नहीं लिया गया। तो बाद में दिल्ली पुलिस ने भी इसमें क्लियरेंस दिया था कि इसमें कुछ ऐसा मामला नहीं बनता है। इन पर्सनल पर्सन अगर वो आके खुद अगर यानी कि पीएम अगर खुद इस मामले को दर्ज करवाते तो इसमें कुछ हो सकता था। तो इस तरीके की यहाँ पर दलीलें दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई थी हालांकि इस मामले में आज कोर्ट फैसला कोर्ट को सुनाना था लेकिन किसी कारणवश ये नहीं हो पाया है तो 19 जुलाई को कोर्ट इस मामले में अपना फैसला देगी। सुचित्रा क्या कुछ जानकारी ये निकल कर आ रही है कि आगे क्या 19 जुलाई को राहत मिलेगी राहुल गांधी को या फिर कोई बड़ी मुश्किल उनके लिए खड़ी हो सकती है? देखिए इससे वैसे अगर दिल्ली पुलिस की दलील देखी जाए दिल्ली पुलिस ने भी तमाम सारे जो क्लियरेंस इसमें दिया है था दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा था कि इन पर्सन अगर वो यहाँ पर अपना एफआईआर दर्ज करवाते क्योंकि पीएम मोदी पर टिप्पणी की दी गई थी तो जोगिंदर सुधी का कहना था कि इससे जो जनभावना है वो आहत हुई है। तो देखना होगा कि इसमें कोर्ट क्या कुछ कहती है क्योंकि कोर्ट का फैसला है उसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं किया जा सकता। जी शुक्रिया सुचित्रा तमाम।